झांसी के महारानी झांसी मेडिकल कॉलेज के SNCU माने सेंसिटिव न्यूनेटल केयर यूनिट, ये वो केयर यूनिट है, ये वो चिकित्सा केंद्र है जहाँ पे जब बच्चों पैदा होते हैं अगर उनमें कोई बीमारी होती है या बच्चे कमज़ोर होते हैं तो यहाँ पे उन्हें रखा जाता है प्राथमिकी तौर पर, उसके बाद उन्हें उनके माँ बाप को सौंप दिया जाता है आगे के लिए। तो यहाँ पे ऐसे कई बच्चे थे जो अभी कुछ घंटों पहले पैदा हुए थे जिनके कुछ दिन से वो अंदर थे, इन्हें रखा गया था, कुछ वेंटिलेटर पे थे, कुछ को ऑक्सीजन मास्क लगा कर रखा गया था, अलग अलग जिनकी जैसी परेशानी हो। लेकिन कल माने 15 तारीख को देर रात, मतलब 10:15 के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, और यहाँ पे भीषण आग लग जाती है। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, बता रहे हैं प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग कंसंट्रेटर में लगी, उसके बाद आग फैलने लगी। कई आरोप भी हैं। आरोप से पहले आपको खबर बता देते हैं कि 10 बच्चों की जो अभी कुछ वक्त पहले ही पैदा हुए थे, कुछ घंटों पहले पैदा हुए थे, उनकी मौत हो गई। यहाँ पे 2 ICU हैं जितना जानकारी आ रही है, कि एक ICU है और उसके पीछे एक ICU है, 2 ICU हैं। और ये कहना है कि जो आगे ICU है उसमें उन बच्चों को रखा जाता है जो अभी ज़्यादा बीमार नहीं है, और जो पीछे ICU था उनमें उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, उनका ज़्यादा जो वेंटिलेटर्स हैं वो पीछे वाले सेक्शन में रखा जाता है। और ये खिड़की दिख रही है, हालांकि अभी हम जब उसके अंदर झांक रहे हैं तो अभी भी जलने से जो बू आती है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि कितनी भीषण आग है। अगर प्रशांत अंदर दिखाएं तो सब कुछ खाक हो चुका है, जितनी मशीनरी थी वो सब खाक हो चुका है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पावर सप्लाई कट ऑफ कर दी गई है, यहाँ पर कुछ भी सही से तय कराना मुश्किल है कि अंदर की स्थिति क्या है। ये भी बताया जा रहा है कि जितनी भी मशीनरी थी, जितनी भी एडवांस मशीनरी थी जिससे इलाज चल रहा था, वो सब जलकर खाक हो गई है और पूरा ICU खंडहर में तब्दील हो गया। आपको वो गेट भी दिखा देते हैं जो जब आग लगी तो बच्चों को रेस्क्यू कहाँ से किया गया। ये गेट मेरे सामने है, ये वो गेट है जिसको तोड़ा गया, जिस पर कांच का ग्लास लगा हुआ था। और जब ये घटना हुई, क्योंकि जो मेन गेट था वहाँ पे आग ज़्यादा थी, तो लोगों ने इस कांच के शीशे को तोड़कर बच्चों को निकालने की कोशिश करी। आरोप ये भी लग रहा है कि जिनके बच्चे अंदर थे उन्हीं ने ये प्रयास करने की कोशिश करी, और बाद में जब दमखल के कर्मचारी आते हैं तो उन्होंने आगे की प्रक्रिया शुरू करी। कई आरोप हैं कि जब आग लगी तो फायर अलार्म नहीं बजा, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को देर से जानकारी मिली। आरोप ये भी है कि जो एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे वो बेहतर नहीं थे। यहाँ पे कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हैं और जिन पे डेट्स अगर आप देखेंगे, रिफिल्ड ऑन 20, मतलब 2019 में रिफिल्ड हुआ और नेक्स्ट ड्यू 2020 थी। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से एक नया, ये जैसा लोगों का यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि ये अभी नया रखा गया है यहाँ पे, जिसमें ड्यू डेट 2025 की दिखाई जा रही है। ये कहा जा रहा था कि ये सब एक्सपायर्ड, यहाँ पे जितना भी प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो सब एक्सपायर्ड थे। हालांकि ये सब जांच का विषय है और जांच में ये साबित होगा कि आखिर वजह क्या थी। अभी तक जो हालिया है कि प्रशासन का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई, और अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक और जो उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो आए थे यहाँ पर सुबह में, और 5 लाख रुपये उन्होंने देने का वादा किया है सहायता राशि के तौर पर जो मृतक हैं उनके परिजनों को, और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की बात कही जा रही है। अभी जो बच्चे घायल थे, ये बताया गया कि अंदर 54 बच्चे थे जिनमें से 10 की मौके पर मौत हो गई, वो बुरी तरह से जल गए थे, और बाकी जो बच्चे हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनका अलग अलग इलाज चल रहा है। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत उभर के आ रही है कि जो बच्चे, 10 बच्चे जो जल गए हैं, उन्हें उनके परिजन पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी अभी उनका जन्म हुआ था कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई वैसी पहचान नहीं होती, हालांकि एक रिबन बांध दी जाती है उनके नाम के, उनकी माँ के नाम के स्लिप के उनके हाथ में, और एक काला धागा उनके पैर में बंधा रहता है। तो जब वो जले तो वो स्लिप भी जल गई। तो ये परिजन इस वजह से भी खासा परेशान हैं कि वो अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रहे हैं, और कई ऐसे भी परिजन यहाँ पर टहल रहे हैं जिन्हें अभी तक उनका बच्चा मिला ही नहीं। उन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि उनके बच्चे की मौत हो गई है या उनके बच्चे का इलाज चल रहा है। तो वो इसी अफवाह में परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। उनका कहना है कि हम प्रशासन से लगातार पूछ रहे हैं मगर हमको कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिल रहा है। हम झांसी में मौजूद हैं, प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ मुकम्मल जवाब आएगा तो वो भी आप तक लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए ललन टॉप। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।